दिलबर जानी बुलिया ते प्यार कहानी सावा च आया ए तूफान मौसम होया ए बेईमान मैं ते मेरा दिलबर जानी बुलिया ते प्यार कहानी सावा च आया ए तूफान मौसम होया ए बेईमान मैं ते मेरा दिलबर जानी बुलिया ते प्यार कहानी बहुत खूब बहुत नाइस। अच्छा आयशा मुझे ये बताएं कि मूवीज वगैरह देखती हैं? हाँ बहुत कम देखती हूँ, टाइम मिलता है तो फिर देखती हूँ। तो एक्टिंग का शौक नहीं हुआ? क्योंकि मैंने देखा है आप बड़ी अच्छी परफॉर्मर भी हैं। हाँ वो बस हो गया। क्या हो गया? एक्चुअल में जब म्यूजिक कानों में पड़ता है ना, हाँ, तो खुद पैर खुद ही वो थरकने लगते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा नहीं तो ये तो एक्टिंग के भी जान्स है ना आपने। हाँ जी मैं आर्टिस्ट भी हूँ, मुझे डांस भी आता है, मुझे सिंगिंग भी आती है। अरे वाह। मैंने मॉडलिंग भी की है। अच्छा। मैंने एक्टिंग भी की है। वही ना मुझे आपका लग रहा है कि आपने एक्टिंग के भी जरासीम है जी। अच्छा तो एक गाना पाया जाता एक है। गाना सुन लें आपसे। जरूर जरूर। बहुत टाइम हो गया। जरूर जरूर। बाकी सब की आवाज सुन ली, आपका गाने में काफी वो हो गया कि आपसे भी अब सुना जाए। हाँ जी जरूर। चले नाजरीन सुनते हैं आयशा से एक अच्छा सा सॉन्ग। मैनू सोने दिया डंडिया ले आ दे, ते कन्ना विच पा दे, मैं तेरे कुर्बान सोनिया, मैं तेरे कुर्बान सोनिया। मैनू सोने दिया डंडिया ले आ दे, ते कन्ना विच पा दे, मैं तेरे कुर्बान सोनिया। नाजरीन आपने गाना सुना आयशा, बहुत खूबसूरत गाना गाया और इसमें बड़ी ट्रेडिशनल चीजों का आपने जिक्र किया, परांदा
और वो क्या उसको एयररिंग्स, खुसा, तो अब तो दोबारा दोबारा से वही फैशन आ रहा है ना, नजर ही नहीं आते, कहाँ आते हैं, पुराना लोग नहीं पहनते, हमारी सकाफत का हिस्सा है लेकिन नहीं पहनते अब तो। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कभी कभार पहनो, शादी ब्याह पे, मेहंदी पे, हाँ बिल्कुल, खुशा पहना जाता है, हमारे पाकिस्तान की सकाफत का एक हिस्सा है। अच्छा किरण मुझे ये बताइए कि अब तो हम बड़े हो गए और बहुत प्रोफेशनल हो गए, बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, तो जब छोटे थे और तब की ईद और अब की ईद में क्या फर्क है? तब तो बड़ी अच्छी ईद थी, है ना? हाँ बहुत अच्छी, ये फिक्र ही नहीं था कोई, कि बस यही था कि इधर से भी ईद आ जानी है, मामू के घर से भी आ जानी है, उधर से भी, है ना? अब जब बड़े हो गए हैं तो अब तो सब हम यही फिक्र होता है कि किसको ईद ही देनी है, किसी को नहीं देनी। हाँ। इसी तरह होता है, ये भी नहीं टेंशन होती थी कपड़े सिले हैं कि नहीं। हाँ। और जब सिल जाते थे तो वो रोज निकाल के देखते थे कि ये कब पहनेंगे, कब ईद है। हाँ ली आप बताओ, जब छोटे थे तो कैसी थी? बचपन की जो है ना वो ईद है, बचपन में बड़े हो गए आप, फिक्रे पड़ गई हैं, अब किसको देनी है, ये तो देनी है और किससे लेनी है। जाहिर है इंसान एक आप प्रोफेशनल भी लाइफ में आ जाते हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो, तो थोड़ा लेकिन होना चाहिए कि ईद को अपने अपने रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ भरपूर तरीके से। वो क्या कहते हैं, आज तो हम आपके साथ मना रहे हैं, आपके साथ ही गुजर गया, हम ऑन चैनल के साथ मना रहे हैं ईद। जी ऑन चैनल का बहुत शुक्रिया। अच्छा अलिया आपने भी बस ऐसे ही के बचपन में? नहीं बचपन में ऐसे ही होता था कि कपड़े बना लिए और सुबह सुबह नमाज पढ़ के और मस्जिद से जब घर आना तो घर में फादर के साथ जाना और वो भी एक बड़ी तो और बड़े भाइयों को और कजन्स जो बड़े होते थे तब तो उनके पीछे पीछे जाना कि अभी हमसे ईदी लेनी है, ईदी लेनी तो है। बस वो पैसे इकट्ठे करने वो भी फिक्री की ईद थी, लेकिन बड़ी ईद पे तो कह देते हो छोड़ो, दोस्तों में इकट्ठे होना तो गोश्त की ईद है, ऐसे कमेंट सुनने को मिलते थे। और दोस्तों में इकट्ठे होना और एक दूसरे को पूछना यार तुझे कितनी मिली, तुझे कितनी मिली, मैं जिसके पास सबसे ज्यादा होती थी वो किंग हो जाता सबका, इसके पास ज्यादा पैसे। और आयशा आपका तो ईद तो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि बच्चों की तो माँ बाप के मतलब पैसों से होती थी, अब खुद ही कमाते हैं, खुद ही वो सारा करना पड़ता है हर किसी को। इनके वल किरण वाली बात के अब ईद बच्चों की होती है, एग्जैक्टली ईद बच्चों की होती है, उनको बेफिक्री होती है कि ईद मिल जानी है, हमें फिक्र होता है हमने किसको देनी है और किसी से लेनी है। अच्छा नाजरीन हम जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ, एक सॉन्ग सुनेंगे किरण तरन्नुम से, लेकिन उससे पहले मैं जरा अपने मेहमानों से कहना चाहूंगी क्योंकि ईद का मौका भी है और जश्न आजादी भी है, तो वो अपने व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी आयशा जी, मैं तो अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, सबको यही कहना चाहती हूँ कि सबसे प्यार करो, सबसे अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो, प्यार से रहो और अच्छी लाइफ गुजारो। बहुत खूब। अच्छा जी और अली आपके क्या कीमती ख्यालात हैं अपने व्यूवर्स के लिए जो आपको देखते हैं, जो आपको पसंद करते हैं? जी मैं पहले सबसे पहले ऑन टीवी का शुक्रिया अदा करूंगा, आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे ईद के मौके पे यहाँ पे मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। और दूसरा मैं व्यूवर्स से ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि ईद पे अपने प्यारों को ना भूलें, ख़ास करके वो प्यारे जो दुनिया में नहीं रह चुके, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, सबसे पहले नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ के कब्रिस्तान जाएं और अपने प्यारों के जाके उनसे मिलें, उनको ईद मुबारक बोलें, उनके लिए कुछ पढ़ें, उनके लिए कुछ करें। दुनियादारी तो चलती रहती है, बस क्योंकि मेरे भी फादर एक साल पहले फौत हो चुके हैं तो मैं छोटी और इस ईद पर नमाज़ पढ़ के पहले फादर की कब्र पे गया हूँ, भाई फौत हो गए उनकी कब्र पे गया, तो मेरा मैसेज ये है बस। अच्छा जी और आप किरण आप क्या कहना चाहेंगी? जी पहले तो मैं ऑन टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो आपने सुबह सुबह हमें जगा के रख दिया और आपसे मिलना था, ये भी बड़ी अच्छी जो आपके साथ टाइम हमारा स्पेंड हुआ है, तो बहुत शुक्रिया आपका। और जो देख रहे हैं हमें उनका भी बहुत शुक्रिया, और मेरा भी इन्हीं की तरह मैसेज है कि अपने घरों में खुश रहें, ईदी बहुत अच्छे तरीके से गुजारें, सबसे प्यार करें और बस ईद अच्छी गुजारें, प्यार बांटें, खुशियां बांटें। थैंक यू वेरी मच और मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। नाजरीन आपने इनके मैसेजेस सुने, बिल्कुल अपने प्यारों में प्यार बांटें, ईद खुशियां लेकर आती है, खुशियां बांटें, प्यार कीजिए और
पाकिस्तान 14 अगस्त है और पाकिस्तान से प्यार कीजिए. और एक हम आखिर में गाना सुनेंगे किरण की आवाज़ में, तो और लेकिन इससे पहले मुझे दीजिए इजाज़त.